हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में अपनी बाइक में इंस्टॉल करेंगे हज़ार्ड फ्लैशर, और ये काफ़ी सस्ता हज़ार्ड फ्लैशर है। आपको इसके लिए हज़ारों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ये कुछ 400-500 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आता है। और गाइस, हज़ार्ड फ्लैशर काफ़ी ज़रूरी होता है जब आप जो है रोड पर बाइक को चला रहे हो और कहीं फोग बह रहे हो, तब भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो है अंधेरे में कहीं अपनी बाइक को खड़ी करते हो, तब भी अगर उसके जो हज़ार्ड है, मतलब उसके इंडिकेटर्स है, चारों चल रहे होंगे, तो कोई भी आपकी बाइक को देख के जो है समझ आएगा कि यहाँ पर कोई जो है ऐसे व्हीकल वगैरह खड़ा है, तो वहाँ पर जो है उसको विजिबिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी बाइक जो सेफ हो जाएगी। तो इस टाइप से आता है। ये टोटल इसकी चार वायर्स हैं, दो येलो कलर की वायर है, एक ब्लैक है और एक रेड है। इसका मैं आपको कनेक्शन करना बताता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसको लगाने के लिए आपको एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे पास एक हज़ार स्विच है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। आप यहाँ पर नॉर्मल स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका वाइजर को खोलता हूँ जल्दी से। 10 नंबर के दोनों साइड जो है यहाँ पर नट लगे रहते हैं, उनको जल्दी से मैं खोल लेता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसके भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों जो येलो वायर्स हैं, ये जाएगी आपके इंडिकेटर के जो पॉजिटिव पॉइंट में, एक एक जो है दोनों इंडिकेटर की साइड में चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की वायर है ये नेगेटिव की है, तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना। इसको छोड़ के यहाँ पर आपको दो वायर दिखाई दे रही है, ये एक लेफ्ट वाले की है, एक राइट वाले की। तो ये दोनों येलो वायर आपको जो है वन बाई वन इनमें लगा देनी है। कोई सी भी आप यहाँ लगा सकते हो, मतलब ये लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है कि कोई येलो वायर यहाँ पर लगानी है। दो येलो वायर है, दोनों आप कहीं पर भी लगा सकते हो इनमें। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो फिर दोनों येलो वायर को मैंने लगा दिया हुआ है। अभी यहाँ पर एक रेड और ब्लैक वायर है, तो ब्लैक वायर जाएगी नेगेटिव में, तो ब्लैक वायर मैं यहाँ पर ही लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीन कलर की वायर है इंडिकेटर के साथ, इसी के साथ ही मैं इसको लगा देता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव की है। आप इसको बॉडी के साथ अर्थ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैं ग्रीन वायर के साथ इसको लगा देता हूँ। तो फाइनली गाइस, अभी ये रेड वायर बच गई है, तो रेड वायर को हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें जो है एक स्विच को ऐड करेंगे। ये वाला जो हज़ार्ड फ्लैशर वाला जो स्विच होता है, इसका मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो स्विच की एक वायर इसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ, और जो दूसरी वाली स्विच की वायर है ये जाएगी पॉजिटिव में। आप चाहें तो इसको बैटरी के पॉजिटिव पे भी लगा सकते हैं। तो गाइस, पॉजिटिव का कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैंडल को जो है ऑन ऑफ करने वाला ये लॉक होता है, उसका ये कपलर है। तो इसमें टोटल दो या तीन वायर रहती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड वायर है वो पॉजिटिव की है, मतलब उसमें 12 वोल्ट का करंट डायरेक्ट रहता है, मतलब कोई चाबी को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको टेस्ट कर सकते हो एक बल्ब की मदद से। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसको रेड वायर से कनेक्शन करूँगा। अगर आप चाहते हो कि चाबी ऑन करने में चले, तो आप इसको ब्लैक वायर में लगाइएगा। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे को इसको डायरेक्ट लगाना है, क्योंकि हज़ार्ड फ्लैशर जो है वो चाबी ऑफ करने में भी चलता है। तो इसकी वायर को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ बटन वाली, क्योंकि ये बटन वाली वायर काफ़ी छोटी है। तो एक रेड वायर यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ, और इसका जो कनेक्शन है मैं रेड वायर से करूँगा। तो ऐसे कपलर को ऐसे मैं खोलता हूँ, और इसकी रेड वायर में इस वायर को इंसर्ट करता हूँ, और वापस ऐसे कपलर को बंद कर देता हूँ। तो वैसे के साथ ही हमारा जो सभी कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये साउंड करने लगा है, मतलब ये डायरेक्ट अभी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा हज़ार्ड फ्लैशर अभी ऑन है, क्योंकि बटन जो है ऑलरेडी ऑन था। तो अभी इसको बाद में टेस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से कनेक्शन बता देता हूँ इसके। तो वे इसकी टोटल चार वायर थी, दो जो येलो कलर की वायर थी वो हमने जो है वन बाय वन इंडिकेटर के साथ लगा दी। तीसरी वायर गैस की जो है ब्लैक कलर की थी, तो ब्लैक कलर की वायर भी यहाँ पर मैंने नेगेटिव के साथ लगा दी है ग्रीन वायर के साथ। आप चाहें तो इसको जो है बॉडी के साथ अर्थ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो रेड वायर थी वो हमने एक बटन से पास करवा ली। तो आप देख सकते हैं ये रेड वायर है, ये बटन से पास हो गई है। मतलब बटन के दो पॉइंट होते हैं, एक को मैंने रेड वायर से लगा दिया, और जो बटन की दूसरी वाली वायर बच जाती है उसको जो है डायरेक्ट आपको जो है बैटरी से पॉजिटिव का कनेक्शन दे देना है। तो पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका हैंडल को ऑन ऑफ करने वाला स्विच है, उसमें जो है 12 वोल्ट का करंट डायरेक्ट रहता है। तो इस टाइप से ये कनेक्शन काफ़ी ईजी है। अभी हम जो है इसको बंद करते हैं। तो चलिए गाइस, अभी इसको टेस्ट करते हैं। मैं सभी मॉड्यूल आपको दिखा दूंगा किस टाइप से ये फ्लैश करता है। तो इसमें टोटल जो है 16 तरह के जो मॉड्यूल हैं, तो 16 तरह से ये जलेगा बुझेगा। तो ये कैसे होगा, जैसे आप जो है बटन को ऑन करते हो तो एक मॉड्यूल चलेगा, जैसे उसको ऑफ करके ऑन करोगे तो दूसरा मॉड्यूल चलेगा। तो इसी टाइप से ये चलेंगे सभी मॉड्यूल। तो चलिए गाइस, सभी तरह के मॉड्यूल यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
तो कैसे अगर आपको 1000 फ्लैशर परचेस करना रहेगा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से इसको जो है परचेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।